नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 3 जून 2019, और यहां पर मैं बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस करूंगा। जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं सारे के एनालिसिस करूंगा, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और क्या हमारा उसमें पोजिशन अगले दिन के लिए बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ मैं अपना व्यू बताऊंगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आप लोगों को नहीं होगी। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, और अगर दोस्तों एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम लोग बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग का वॉच लिस्ट लगा लेता हूँ, निफ्टी बैंक। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। चलिए एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का अगर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 200 EMA को प्लॉट कर लेते हैं चार्ट पर, जो कि अभी प्लॉट हो रहा है, प्लॉट हो गया। अब इस स्टॉक ने क्या किया ना, एक रेंज बना लिया है। उस रेंज के ऊपर ये स्टॉक निकल नहीं रहा है और ना ही उस रेंज के नीचे स्टॉक जा रहा है। रेंज बनाया ऊपर की तरफ 820 का एक रेंज बना कर रखा है, नीचे एक 700 से लेके 795 से लेके 800 का एक रेंज बना के लेकर, यानी कि 800 से लेके 820 का एक रेंज बना रही है। 20 रुपया का एक रेंज है, 20 पॉइंट का एक रेंज है। इस 20 पॉइंट के रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। हमें पोजिशन कब बनाना है, जब ये 820 के ऊपर ब्रेक करेगा तो पोजिशन बनाएंगे 840 के टारगेट के लिए, और अगर ये नीचे ब्रेक करता है 800 को तो फिर टारगेट हमारा 780 का ओपन हो जाएगा एक्सिस बैंक में दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए। और इंट्राडे में अगर शॉर्ट मूवमेंट कवर करना है, फास्ट मूवमेंट कवर करना है, तो 800 के ऊपर, अगर 820 के ऊपर निकले तो 825 के टारगेट के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, और अगर नीचे 799 यानी 800 को अगर ब्रेक करता है तो 795 का टारगेट और 790 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको मिल सकता है एक्सिस बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक मूवमेंट शुरू किया था लेकिन फिर से वापस ये फंस चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक रेंज में ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। फ्लैग पैटर्न कैसा बना रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बिल्कुल। तो अभी जब तक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है ना, हमें कहीं कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें कब चाहिए एंट्री, अगर ये एंट्री हमें मिलेगा जब ये 136 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, जब तक ये ऊपर 136 को ब्रेक नहीं करेगा हमें कोई भी एंट्री इसमें नहीं लेना, चुपचाप बैठ के खेल देखना है। तो 136 के ऊपर अगर ये निकलता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर 136 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक तो एक मूवमेंट स्टार्ट करेगा स्टॉक, पैरेलल चैनल में फंसा हुआ 136 को ब्रेक करेगा तो 142 के टारगेट आपको दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। फेडरल बैंक अगला स्टॉक, ये जस्ट एक्सिस बैंक और सेम लाइक फेडरल बैंक, दोनों ने एक जैसा ही काम किया। ऊपर की तरफ एक रेंज और नीचे की तरफ एक रेंज में खुद को बना के फंसा लिया है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे। तो ऊपर की तरफ एक रेंज है 110 रुपए का और नीचे की तरफ एक रेंज है इसका 106 रुपए का, 4 पॉइंट के रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है। तो ऊपर जब ये 109 को ब्रेक करेगा तो 112 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और अगर नीचे 106 को ब्रेक करता है तो 104 के टारगेट के लिए, हाँ 104 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड में फेडरल बैंक में। जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इस रेंज में जब तक ये स्टॉक फंसा रहे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक एक अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी किया, ये BTST हो सकता था, मैं चूक गया आपको BTST दे, मैंने RBL ऐसे आपको दिया है BTST, लेकिन ये भी BTST के लिस्ट में था मेरा। RBL बैंक, ये HDFC बैंक कल अगर ये ब्रेक करता है 2460 रुपए को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा आपको टारगेट देके जाएगा, जो कि 2475 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, 2480 तक का टारगेट भी आपको दिखा सकता है HDFC बैंक। लेकिन अगर ब्रेक करेगा 2460 को ऊपर की तरफ तब, और नीचे अभी नीचे के लिए कोई पोजीशन नहीं है, नीचे बहुत अच्छा इसको सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक कंटिन्यू चल रहा है ऊपर की तरफ, तो सेलिंग के साइड में मेरा मूड नहीं है, बाइंग के तरफ ही देख रहा हूँ। 2460 को ब्रेक करेगा तो 2480 का टारगेट भी आपको और साथ में 2500 का भी टारगेट आपको HDFC बैंक दिखा सकता है। ICICI बैंक, चलिए ICICI बैंक को भी देखते हैं। ICICI बैंक जब तक 430 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे कोई पोजीशन लॉन्ग का नहीं बनाना, अगर 430 को ब्रेक करेगा तो 440 हमारा टारगेट हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक, मैंने पिछले बार भी जब बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस किया तो उसमें बोला था जब तक ये ब्रेक 46 को नहीं करेगा हमें कोई नया पोजीशन नहीं क्रिएट करना है, 46 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक की, उसके बाद ही पोजीशन बनेगा जो कि इसको 50 रुपीज के टारगेट की तरफ लेके जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक को। तो 46 के ऊपर अगर निकलता है तो क्वेश्चन जरूर बन सकता है IDFC फर्स्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ना, अपना व्यू बता रहा हूँ, ट्रेड लेने के लिए कोई भी इसमें आपको सलाह नहीं है, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। और आप लोगों ने देखा कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिया था, गोदरेज कंज्यूमर दिया था, और भी सारे पोजिशनल स्टॉक्स दिए थे, लगभग लगभग मेरे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया आज आप लोगों को, आप लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म मैंने डाला था। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, सारे लगभग अच्छे परफॉर्मेंस आपको मिले होंगे वहां पर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक।
जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से इंडसइंड बैंक, मुझे कल भी एक इसमें मोमेंट मोमेंट लग रहा है इंडसइंड बैंक में। अगर ये ब्रेक कर देता है कल 1670 को, तर 1670 को ब्रेक करेगा तो फिर 1700 और 1720 के टारगेट भी इंडसइंड बैंक आपको दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक आज जबरदस्त वॉल्यूम के साथ अच्छा काम किया है, 200 डीएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो 1700 को अगर ऊपर, सॉरी 1670 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें 1700 के टारगेट इंडसइंड बैंक दिखा सकता है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक, चारों तीनों का एक ही काम है, एक रेंज बना लिया है ऊपर की तरफ। ये रेंज देखे 1540 का, और नीचे की तरफ एक रेंज है, तो नीचे की तरफ एक 1500 का रेंज है, ऊपर की तरफ 1540 का एक रेंज है। इस रेंज में जब तक ये स्टॉक फंसा हुआ है हमें ट्रेड नहीं करना। हाँ, इस स्टॉक इस रेंज से जब ये बाहर निकले जिस तरफ भी हमें उधर पोजिशन बनाना, अगर ये 1540 ब्रेक करेगा तो टारगेट 1555 आएगा इंट्राडे में, और शॉर्ट टर्म में 1575 का टारगेट। और अगर नीचे ब्रेक करता है, 1500 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर 1475 का टारगेट शॉर्ट साइड में सेल साइड में कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है आपको। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक को भी हम लोग देख लें। पंजाब नेशनल बैंक बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए दोस्तों आ रहा है। इसके पास एक ट्रेंड लाइन, मैंने पिछले बार जब स्टॉक एनालिसिस किया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 76 को ब्रेक करेगा तो टारगेट आपको 70 रुपीज का पोजिशनली दिखा सकता है पंजाब नेशनल बैंक। ऊपर हमें लॉन्ग पोजिशन तब तक नहीं बनाना जब तक ये 86 के ऊपर क्लोज ना करें। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक का। चलिए आरबीएल बैंक को मैंने बीटीएसटी आप लोगों के लिए दिया हुआ है आज, तो आरबीएल बैंक ऊपर एक पोजीशन कल भी अगर इंट्राडे में ये निकलता है, मुझे लगता है कल एक अच्छा मोमेंट आपको 700 के ऊपर देखने को मिलेगा। स्टॉक अगर 700 को ब्रेक करता है दोस्तों तो 710 का टारगेट जो कि मैंने आपको पोजिशनली दिया हुआ है इंट्राडे में, 710 का टारगेट आपको दिखा सकता है आरबीएल बैंक। तो 700 को जब ब्रेक करे तो एक पोजिशन बनेगा 710 के टारगेट के लिए। एसबीआई, फिर एसबीआई अपने आपको सस्टेन कर रहा है, रेंज बना के रख लिया है इस स्टॉक ने। 360 का, 360 का ऊपर की तरफ रेंज बनाया है और नीचे एक रेंज बना के रखा है 345 रुपए का। 345 को अगर एसबीआई 345 को ब्रेक करता है तो फिर 340 के टारगेट दिखाएगा। अगर ऊपर 360 को ब्रेक करता है तो 365 का टारगेट एसबीआई में आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट बैंकिंग स्टॉक है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक पे ऐसे भी कोई मेरा व्यू नहीं बनता है, इस पर न्यूट्रल व्यू है, लेकिन जिन लोगों ने पोजिशन बनाया हुआ उनके लिए पोजिशनली स्टॉप लॉस 110 रुपए का मैं बार बार कहता हूँ। ऊपर जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको 160 रुपए को ब्रेक करना पड़ेगा तो आपको ये 170 तक के टारगेट दिखा सकता है यस बैंक में। जिन लोगों ने पोजिशन पहले से बनाया हुआ तो 110 का स्टॉप लॉस लेके आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा बैंकिंग स्टॉक पर अपना व्यू। अगर मेरे एनालिसिस पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।